बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडी आज का इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्सरसाइज है, हमारे पास 3.2 और फिफ्थ क्लास का मैथ है, लेकिन कंसेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है जो आगे हर क्लास के अंदर बार बार इस्तेमाल होता है और कई स्टूडेंटों को ये 9th 10th मिडिल स्टूडेंटों को ये कंसेप्ट नहीं पता चलता है। वैल्यू फ्रैक्शन में है, बिटवीन प्लस है, बिटवीन मनफी है, कुछ प्लस है, कुछ मनफी है, कुछ प्लस है और कुछ माइनस है। कल हमने की थी 3.1 जिसमें सिर्फ हमारी दो वैल्यू, और आज हमारे पास दो नहीं है बल्कि तीन वैल्यू। अगर चार भी हो, पांच भी हो, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है जितनी मर्जी होंगी आप हल कर लेंगे। तो वैल्यू फ्रैक्शन में है 1/2, +1/4 और +1/6। तो हम ऐसे सादा प्लस नहीं कर सकते, इसके एलसीएम लिया जाता है, और इसमें एक नोमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लेना। डिनोमिनेटर क्या है? ये हमारे पास 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और हमें एलसीएम लेना आता है। डिवीजन मेथड आसान मेथड है एलसीएम लेने का। 2 पर गया, 2 वन दर 2, 2 टू दर 4 और 2 3 दर 6। अब 2 ने अपने ऊपर ही जाना है और 3 ने ये 1, ये 2 1s और 3 फिर वैसे, फिर 3 पे 1 1 और 1। जितने बचते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 और 4 3 क्या आ गया? 12। ये उसका एलसीएम आ गया, और हमने 2.4 के अंदर एलसीएम ही सीखा था। लिया क्या हमने इसका एलसीएम? कितना आया है? 12 आया। 2 का, 4 का और 6 का एलसीएम कितना आया? 12। अब 12 को हमने रखना है अंदर और डिवाइड करना है पहले एलिमेंट पर, और पहला क्या है? 2। 2 6 आर कितना आंसर आया? 6। जितना आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ क्या किया जाता है? फिर हमने 12 को रखना है अंदर, डिवाइड किस पे करना है? उसके दूसरे डिजिट पर, दूसरे डिनोमिनेटर पर, और वो 4 है। 4 3 कितना आंसर आया? 3। जितना आंसर आता है उसको हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बिटवीन प्लस, फिर 12 को अंदर रखकर डिवाइड करना है किस पर? 6 पर। 6 2 आर 12 कितना आंसर आया? 2। जितना आंसर आता है उसको हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 क्रॉस 2, 6 1 जा 3, 1 जा 2, 1 जा और डिवाइड क्या है? 6 3 9, 9 2 11, 11 बाय 12। ये इसका क्या होगा? क्यों भी समझ आई? यस सर। चेहरे पे स्माइल भी आई तो बस समझ ही आई। हाँ, ये दोनों चीजें आ रही हैं। तो अब फिर दोबारा एलसीएम लिया 2 का, 4 का, 6 का, 2 का, 4 का, 6 का, तो एलसीएम क्या आएगा? कोई भी नई चीज नहीं है, लेकिन फर्क ये है कि उधर बिटवीन प्लस था और इधर बिटवीन माइनस। ट्वेल्व को अंदर रखा, 2 पर डिवाइड किया तो क्या आंसर आया था? 6। ऊपर वाले को किसने मल्टीप्लाई किया? बिटवीन उधर प्लस था और इधर माइनस। फिर 12 को अंदर रखा, किस पर डिवाइड किया? 4। कितना आंसर आया था? 3। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से। फिर बिटवीन माइनस, फिर 12 को अंदर रखा, डिवाइड किस पे किया था? 6। आंसर कितना आया? 2। फिर ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ। 6 1 जा 6, 3 वन जा 3, 2 वन जा 2 और डिवाइड क्या है? 12। ये 6, ये दोनों माइनस के हैं, इसलिए मनफी 3 और मनफी 2 मिलकर कितने हो जाएंगे? माइनस 5 और डिवाइड क्या है? 12। 6 में 5 गया तो 1 और डिवाइड क्या है? 12। ये उसका क्या है? आंसर। क्यों भी समझ आई है? आगे क्वेश्चन मैंने कुछ छोड़े हैं, जगह भी कम है, ताकि आप लोग बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मैं क्वेश्चन नंबर 13 करता हूँ। तो 13 के लिए 14 है, 3 है, 5 है, तो पहले क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम किस किस का? 14, 3, 5,
14 का 3 का और 5 क्या ये तमाम किसी एक डिजिट पर डिवाइड हो रहे हैं तो नहीं हो रहे ना 14 हो रहा है ना 3 हो रहा है और ना 5 हो रहा है फिर सभी को आपस में क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है तो 5 3 15 और 15 40 आर कितना हो जाएगा 210 कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा अब हमारे पास एलसीएम कितना आया 210 समझ आ रही है 210 को अब रखा अंदर और डिवाइड किस पे करेंगे डिवाइड करेंगे 14 पे तो 14 15 आर कितना हो जाएगा वरना पहले हम इसे 1 पे लेके जाते हैं ये क्या आएगा 14 1 कैरी लिया तो कितना आ जाएगा ये जरा मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या 5 4 20 4 2 6 6 5 1 5 और 2 0 1 और 2 10 ही आता है हमारे पास तो हमारे पास 14 1 14 बाकी क्या आ जाएगा 6 ये तो 6 आ रहा है 7 आ रहा है तो फिर ये 15 और 14 210 कैसे बन रहा है कैलकुलेटर दीजिएगा एक मिनट ये क्यों मिस्टेक हो रही है 14 मल्टीप्लाई 210 और इधर है 210 और डिवाइड है 14 ये 0 फिर उसके बाद ठीक है वो मुझसे मिस्टेक मैं 5 को कंसीडर कर रहा था इस वजह से 14 5 आर कितना होता है 17 मैं 15 4 का कंसेप्ट ले रहा था इस वजह से थोड़ा सा दिमाग घूम गया है ज्यादा काम करने से कभी कभी घूम जाता है ये घूम गया है अब सीधा दोबारा किया आगे क्या आ जाएगा 15 को हम क्या करेंगे 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे बिटवीन क्या आएगा माइनस फिर हम 210 को अंदर रखेंगे और डिवाइड किस पे करेंगे डिवाइड करेंगे 3 पर 3 7 आर इधर भी 0 इधर भी 0 कितना आंसर आया 70 हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 70 के साथ फिर 210 को अंदर रखा और डिवाइड किस पे करना है 5 पर 5 4 20 5 2 10 कितना आंसर आया 42 ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है 42 से 15 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 195 70 42 और डिवाइड क्या है 210 ये दोनों मनफी इकट्ठे करें 2 और 0 2 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11 और डिवाइड क्या है 210 अब हमारे पास क्या वैल्यू बची 5 में से 2 गया तो 3 9 में से 1 गया तो 8 और डिवाइड क्या है ले जी ये इसका क्या आ जाएगा आंसर समझ आ रही है इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखें 7 3 और 2 का हमने लेना एलसीएम क्या ये किसी डिजिट पर डिवाइड हो रहे हैं नहीं अगर नहीं तो सभी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई 7 3 और 2 7 3 21 21 2 42 एलसीएम कितना आ चुका 42 को अंदर रखेंगे और डिवाइड किस पे करेंगे 7 पे 7 6 आ रहा है कितना आंसर आया जितना आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ क्या किया जाता है मल्टीप्लाई बिटवीन मनफी है तो मनफी लिखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे
फिर उसके बाद 42 को अंदर रखा और डिवाइड किस पे करेंगे, 3 1 3 और 3 4 आर, कितना आंसर आया 14 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर 42 को अंदर रखो डिवाइड किस पे करना है 2 पर, 2 2 4 और 2 1 2 कितना आया 20, 6 6 कितना आ जाएगा 36, 14 1 21 और डिवाइड क्या है ये 36, 1 और 4 5, 2 और 1 3 और डिवाइड क्या है 36 में 35 गए तो बाकी क्या आ जाएगा 1 और देखिए 42 वैसे का लेंगे। हमारे पास 3 वैल्यूज जो फ्रैक्शन में है उनका एलसीएम हम फाइंड करना सीख चुके हैं, समझ आ चुकी जी? Yes. लेकिन हाल चाल लेते हैं।